जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अपने भविष्य का आकलन बहुत ही सरल एवं सटीक तरीकों के साथ किया जा सकता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं ऐसी राशियों के बारे में, ऐसी दो राशियों के जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि इन दो राशियों की किस्मत मई के महीने में रूठी हुई है और अब इन्हें संभल कर रहने की ज़रूरत है। जैसा कि हम आपको हमेशा ही बताते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल में लगातार बदलाव होता रहता है, जिसकी वजह से कई राशियों को लाभ तो कई राशियों को हानि भी होता है। अगर ग्रह नक्षत्रों की चाल आपकी कुंडली के अनुकूल है तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन वहीं अगर ग्रह नक्षत्रों की चाल आपकी कुंडली के अनुकूल ना हो तो आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अब आपको बताएंगे ऐसी राशियों के बारे में जिन्हें आप संभल कर रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें यहाँ पर कि आप अभी दूसरी जॉब ढूंढने के चक्कर में ना पड़े, जिस कंपनी में भी आप कार्यरत हैं वहीं पर कार्य करें। व्यापार के स्तर को बड़ा करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, जिस अनुसार आपका व्यापार चल रहा है अभी उसी क्रम में चलने दें। चलिए अब बात करते हैं उन दो राशियों के बारे में, वो राशियाँ हैं मकर और वृश्चिक। इसी तरह रोज़ाना अपनी राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।